प्रोग्राम रखा गया है लोगों जागरूक कराने वास्ते है कि जो राम मंदिर इलेक्शन हो रही है ये पीछे क्या परपज है तो कुछ गलतफहमी वो बारे में भी जो कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है ताकि वो जी है सैटिस्फेक्शन की जाए। ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है सो तो बड़ा क्लीयर जी कमेटी है वो करता डोनेशन कोई नहीं लिता जा रहा सारे समर्थक बनी है जी कि तुम्हें अपनी इच्छा ना देनी है चाहे 10 रुपये दो 50 रुपये दो। दूसरा इसके पीछे मेन परपज यह है भी मनी इन्ना काउंट नहीं करती कि पैसा किन्ना इकट्ठा करना ये भी किन्ने बंद को पैसा इकट्ठा होया नंबर ऑफ परसन ताकि लोगों ने यदि नैशनल वो है किसी ग्राम के प्रति जो भी है जागृति आवे तो लोग जो साढ़े इतने अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हैं वो आपस मिलजुल के काम कर जी कोई गलतफहमी है वो बारे क्लेरिफिकेशन लैके रिस्पॉन्स लोग जिसे को भी जाओ अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्थे अमाउंट नहीं इन्नी मैंने रख दी क्योंकि कोई भी अमाउंट किसी को मंगी नहीं जाती जाके नहीं कहा जाता भी तुम 5000 देना या 500 रुपये देना तो जी जो इच्छा होती है वो दे रहे हैं उसके मुताबिक कलेक्शन हो रही है। मिनिमम कितनी मिनिमम 10 रुपये की चीज़ है जी जी जा सकती है ताकि जरा एक आम आदमी भी है जरा कि डेली वेज करता है वो भी अपने आप में प्राउड फील कर सके भी मैं ये वास्ते पैसा दिता है। रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरी ड्यूटी एज जनरल सैकटरी इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट एसोसीएशन वालों कलैक्शन लिए मैं अपने आप में अगे किया तो साढ़े फोकल पॉइंट करीब 65 वर्किंग यूनिट ने कुछ कैटल फीड यूनिट जो साढ़े सज्जन वाकफ हैं और आउटसाइड फोकल पॉइंट भी है तो मैं करीब 65 सहयोगकर्ता को 12,25,000 की धनराशि इकट्ठी की है जी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि समझदा तो मैं उन्होंने सारे फोकल पॉइंट के एसोसीएट मैंबर का साढ़े कैटल फील्ड के एसोसीएशन के मैंबर का साढ़े प्रधान रविंदर जी का जिन्होंने मैनू नाल मोटीवेट किया बहुत आभारी भी हाँ तो लोगों ने किसी ने भी इस शिकन नहीं पाई सब खुशी खुशी जिनी इच्छा न भी उस प्रभु के चरणों के सहयोग दिता है उस श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट ने जिदा श्री राम जन्म भूमि का जो मंदिर है वह निर्माण सरकार भी अपने को पैसा इकट्ठे करवा सकती है तो फिर यह थोड़ा की लगता कि पिछले सोच की है इस दे पिछे सब तो बड़ी ये सोच है कि 13 करोड़ परिवार यानी 65 करोड़ की आबादी कम से कम उस मंदिर बनाने के अभियान से जुड़ेगी। कोई भी बंदा जो उत्थे जाएगा उन्हें भावना आएगी कि यार इस दे दो इट्टा मेरे वालों भी लगी हुई हैं जे मैं 100 रुपये दिता या 50 रुपये दिते हैं तो मेरा भी योगदान है एक अपने आप दे विच उसनूं बहुत बड़ी सकारात्मक प्रेरणा देवेगा। इस करके लोग इस नाल तेजी नाल जुड़ रहे हैं कि साडा ईवन लेबर फोकल पॉइंट चो 2-3 फैक्ट्री की लेबर ने भी अपने आप समर्पण किया चाहे 100 रुपये की पर्ची कटाई किसी ने 500 की सो इदा ही 15-20,000 रुपया लेबर वालों भी योगदान दिता गया। तिवड़ सर श्री राम मंदिर निर्माण लिए जी है समर्पण इकट्ठा किया जा रहा किस तरीके इकट्ठा किया जा रहा। जय श्री राम जी जरा समर्पण है ये अलग अलग तरह दी टोलियां बनाई गई ने कुछ उद्योगपतियों को जा रहे हैं कुछ टोलियां जी घर घर जा रही ने कुछ व्यापारियों को जा रही ने अलग अलग टोलियां बना के अलग अलग स्थानों पर भेजी जा रही ने ताकि कोई भी घर साढ़े तो छूता ना रहे ये साडा टारगेट है। कोई भी ये भगत ये ना कह सके भी मैं भगवान श्री राम के मंदिर के अपना योगदान नहीं पा सकता अजे तक किन्ने लोग जड़े जुड़ चुके खन्ने के बीच लगभग 30,000 असी बंदे लगभग कवर हो चुके ने इस तो अलावा साड़ियाँ 10-10 टीम द्राहा
ਥਾਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਪਨ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੂਪਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 80G ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80G ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਦੇਣੀ ਦਿਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 80G ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 80G 2B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੋਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ। ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ।